24 तारीख और आज है मंडे और आज मैं जा रहा हूँ स्कूल, मतलब आज समर वेकेशन के बाद मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है मेरा। तो आज कितने दिन हो गए, लगभग 55 डेज हो गए, 55 डेज बाद आज मैं स्कूल जा रहा हूँ। और अभी सबसे पहले मैं अभी सुबह उठा और कल रात पर इतने दिनों बाद स्कूल जा रहा हूँ तो कल रात को मैं बार बार अपना अलार्म चेक कर रहा था कि लगा है कि नहीं, लगा है कि नहीं, लेट ना हो जाऊँ। टाइम भी मैंने फिर किसी से पूछा, टाइम टेबल किसी से मांगा, मतलब चीज ही गायब हो गई थी। और फिर अभी सुबह उठा तो एक बार 4 बजे उठ गया, एक बार 5 बजे उठ गया, अपने आप 6:10 को एकदम से नींद खुली और मैं सोचा पता नहीं कितने बजे, एकदम घबरा के उठा। तो अभी हो चुके 6:35, उठा मैंने, उठ के ब्रश कर लिया और भी काम हो गए। तो अभी सबसे पहले मेरे फिजिक्स के होमवर्क में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब मेरे को करने हैं, तो मैं भी वो कर लेता हूँ, 3 क्वेश्चन बचे हैं। उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनका सॉल्यूशन मुझे कहीं मिला नहीं है, जो मुझे समझ नहीं आया, तो वो 2 क्वेश्चन तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन ये मैं कर रहा हूँ तो सबसे पहले इनको करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि 15-20 मिनट लगे, 15 मिनट तक मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। इसके बीच में चाय भी पी लूँगा क्योंकि अभी तो चाय पी नहीं है मैंने। और साथ में मुझे इसके बाद फिर अपना बैग में भी सब कॉपी बुक रखनी है, अभी बैग पूरा खाली है। तो चलो फटाफट लिखता हूँ। पता ही नहीं चला कि समर वेकेशन कब खत्म हो गए, 50 दिन के लगे तो ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन में ही खत्म हो गए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 28 तक करा था, 29 का सिर्फ क्वेश्चन लिखा था, फिर क्वेश्चन नंबर 29 करा, 30 करा, टोटल 30 क्वेश्चन थे। और ये बीच में भी एक दो पेज छूटे हुए थे, तो वैसे ही एक न्यूमेरिकल वाला पेज छूटा था, ये करा। फिर स्कूल गया, मैं यहाँ कुछ भी बोल रहा था, मतलब आधी बात बोल रहा था फिर टॉपिक बदल दे रहा था क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया था। स्कूल मेरा 7:50 से था और मैं घर से 7:40 को निकला, मतलब पहले दिन ही लेट। उसके बाद स्कूल से आया, मुझे क्या शौक चढ़ा उस दिन स्कूल से आगे कि स्कूल से आया, शूज़ निकाले, अंदर आया, फ़ोन उठाया और शूट करने लग गया। बैग भी टंगा ही था, पसीने में अलग हो रहा था और फैन भी बंद नहीं कर रहा, बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज आ रही थी। हेलो एवरीबॉडी, इट्स करेंटली 2:35 PM और जस्ट मैं अभी स्कूल से आया हूँ और मुझे पता नहीं मैं क्यों शूट कर रहा हूँ, मतलब आया हूँ अभी, फेस वॉश भी नहीं कर, मतलब बैग भी ऐसा टंगा ही हुआ है, पूरा पसीने में हो रहा हूँ। तो चलो अभी फेस वॉश करके, हैंड वॉश करके, मतलब जो भी करना है सब कुछ करके मिलता हूँ। 2:50 हो रहे हैं और मैंने बोला था मैं अभी आता हूँ फेस वॉश करके, बाकी सब करके। और एकदम से बहुत तेज बारिश चालू हो गई तो फिर मैं कुछ काम में लग गया तो इसलिए इतना टाइम लग गया। और अब मैं खाना खा रहा हूँ तो कपड़े बदल के सबसे पहले खाना खाता हूँ, कपड़े भी थोड़े गीले हो गए और बहुत तेज बारिश भी हो रही है, शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आए या नहीं आए मुझे पता नहीं। तो अभी खाना खाता हूँ और खाना खाने के बाद आपको मिलता हूँ, फिर पढ़ाई चालू करते हैं। तो अभी 7:50 हो चुके हैं और आखिरी में जब मैंने खाना खाया था स्कूल से आके, उसके बाद मैंने थोड़ी देर फोन चलाया 15 मिनट, फिर मैंने सो गया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि बहुत दिन बाद, मतलब 50 दिन ही होगा मैं 6 बजे उठा ही नहीं हूँ, मतलब भोपाल गया था जब भी उठा था, नहीं तो वो भी जल्दी उठा था, इससे भोपाल गया था जब तो 5 बजे उठा था, उसके बाद मैं कभी 6 बजे उठा ही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सो गया। तो मैंने सोचा पहला दिन है इतनी कोई टेंशन लेनी नहीं है, सो जाता हूँ। सो के उठा, सो के उठ के मैं कुछ काम करने लगा था, उसके बाद मैंने फ़ोन चलाया 5-10 मिनट, फिर फाइनली मैं थोड़ी देर लिखने बैठा था और हिंदी का करा, लेकिन फिर चाय पी ली, चाय पी के फिर लाइट आई तो मेरा लैपटॉप भी डिस्चार्ज था, उसको चार्ज लगाया, फिर मैंने नहा लिया और अभी जस्ट नहा के आधा घंटा हो चुका है, पूजा कर ली मैंने बीच में, तो अब मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है जो मैंने सुबह से कुछ नहीं करा। इसके बाद मैंने मैक्स का लेक्चर करा। सबसे पहले मैक्स का लेक्चर करते टाइम मैं नोट्स बनाता नहीं हूँ, लेक्चर करने के बाद बनाता हूँ, इसलिए मेरा नोट्स का भी थोड़ा बैकलॉग है क्योंकि इतना टाइम मिलता नहीं है कि स्कूल से आके लेक्चर भी देखो, नोट्स भी बनाऊँ, फिर होमवर्क और अभी फिलहाल कॉपी भी बहुत सारी इनकम्प्लीट है, इसमें टाइम चला जाता है। फिर डिनर करा मैंने, डिनर करने के बाद मैंने हिंदी की कॉपी कंप्लीट करी थी और होमवर्क भी करा था, होमवर्क तो थोड़ा सा था, कॉपी बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट थी। और ऐसे ही मुझे रियलाइज़ हो रहा है वॉइस ओवर करते करते कि ये लास्ट टाइम है, लास्ट फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर समर वेकेशन, इसके बाद कोई भी फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर समर वेकेशन नहीं होगा, क्योंकि समर वेकेशन ही नहीं होंगे क्योंकि स्कूल ही नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर स्कूल का। और फिर मैंने फिजिक्स की कॉपी कंप्लीट करी थी एकदम लास्ट में, तो ये वाला पेज तो मैंने हटा ही दिया था, मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या लिखना, तो इसके फिर आगे का मैंने ये करा था और बस इतना ही करा था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना। वीडियो मैंने बहुत दिन पहले शूट करी थी, 24 जून को करी थी शायद, और आज तो 13 जून 12 जून ही हो गया, मैं भूल ही गया आज क्या डेट है, मतलब लगभग 16-17 दिन हो गए हैं और इतने दिन बाद डाल रहा हूँ ये वीडियो। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए वॉइस ओवर करने का, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से ऐसा लेट नहीं करूँ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।